वोट भी आई है। टाटा मोटर्स का चार्ट लेके आई है स्क्रीन पर, 43580 इस दौर का टाटा मोटर्स का लो रहा करीब करीब 380। एग्जैक्टली इस रिपोर्ट में क्या कहा गया उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद सारे चार्ट को इंक्लूड करेंगे अपने डिस्कशन में। ये थे टाटा सीएलएसए का एक सेल कॉल है, इन्होंने टारगेट फिर से एक बार काटा है लगभग 20 रुपए से और नया टारगेट है 392 का। टाटा मोटर्स में सीएलएसए का मानना यह है कि जो वॉल्यूम्स आपको दिखेंगे वो कम होते हुए दिखेंगे और इनको जेएलआर फ्रंट पे काफी दिक्कतें आ रही हैं सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की और जो युद्ध की परिस्थिति है यूरोप में यूक्रेन को लेके और जहां तक कि चाइना में भी आप देख रहे हैं काफी सारे लॉकडाउन्स लग रहे हैं, तो इससे लग्जरी कार्स की बिक्री पे असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट अगर हम जेएलआर की बात करें तो यहाँ कमोडिटी कॉस्ट भी प्रेशर डालेंगे मार्जिन पे, ऐसा सीएलएसए का मानना है। तो ये जो कमोडिटी इन्फ्लेशन है और जेएलआर के जो शायद वॉल्यूम में कमी आएगी उसको लेके चिंतित है सीएलएसए। हैं आपके स्क्रीन पर और सेल का व्यू है यहाँ पर, एक 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 राय लेते हैं यहाँ पर। देखिए सप्लाई तो ऐसे स्टॉक में नो डाउट आ रही है और हम इसको एक ग्लोबल ऑटो जायंट मानते हैं और उसी की तरह अगर आप देखें ट्वीट भी करते हैं और जब यूरोप दिक्कत में है इस वक्त, तो इस वक्त टाटा मोटर्स पर बहुत बड़ा बुलिश है भी नहीं। मानस बहुत संक्षेप में, बहुत बड़ा सप्लाई जोन 444 और 460-450 के रेंज में यहाँ पर आ रहा है। दरअसल ये वही बेस था जो कि अक्टूबर 2021 से लेकर फरवरी 2022 तक इसने मेंटेन किया और जब वो वॉलेट हो गया तो ये एक टिपिकल सेलोन प्राइस बन गया। कैसे अप्रोच करेंगे टाटा मोटर्स को? देखिए कल प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली लेकिन अभी तक कोई रिवर्सल के साइन नहीं दिख रहे हैं। स्टॉक अभी भी 20-day मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ था कल और मेरा समझना यह है कि अब यहाँ पर बेरिश तभी हो सकते हैं जब स्टॉक 420 के नीचे चला जाए, उससे पहले यहाँ पर बेरिश चांस नहीं।